ताजमहल के आसपास रोजगार उजड़ने से खफा लोगों ने रविवार दोपहर पुरानी मंडी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने रोजी रोटी नहीं उजाड़ने के पोस्टर भी लहराए। इसके अलावा फतेहाबाद रोड पर भी बड़ी संख्या में दुकानदारों ने एकत्रित होकर हंगामा किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। इसके बाद ये सभी लोग केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिटी बघेल के आवास पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की चार दीवारी से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद 500 मीटर क्षेत्र का सर्वे कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश से करीब 30,000 लोग प्रभावित होने का अनुमान है। रविवार को ताजमहल के आसपास होटल, रेस्टोरेंट, एम्पोरियम व अन्य व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल साकेत कॉलोनी स्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के घर पहुंचा। काफी देर तक इंतजार के बाद आगरा के सांसद एवं मंत्री से मुलाकात हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने व्यवसायियों के संबंध में आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता का आश्वासन दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर के लिए सरकारी वकील उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उधर रविवार को ताजमहल के आसपास दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण रविवार को एक और नया फरमान जारी कर दिया है। इसमें कहना यह है कि हमारे 500 मीटर के अंदर जो एक ऑर्डर हुआ है, किसी सरफरे ने कोर्ट को गुमराह करा के ये ऑर्डर करा दिया है। लिहाजा हम लोग मंत्री जी के पास इसलिए आए कि हमारा केस रिव्यू हो और हमें एक अच्छा सा खूब मतलब मजबूत एक लॉयर दे दिया है, जो हमारे लिए वो हमारी लड़ाई को लड़ सके और हमारे इस रिव्यू को सुनवा सके, और जब रिव्यू सुन लिया जाएगा तो 100% ये रिट खारिज हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन करने नहीं मिलने आए हैं और वहाँ पुरानी मंडी पे आज ताजगंज जो है धरने पर बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा है, जो लोग बिछड़ गए वो लोग बैठे रह गए, सब लोग यहीं आने थे और वहाँ धरना प्रदर्शन कोई भी नहीं है। सब लोगों का शांतिपूर्वक एक ये आना था और किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है, ना किसी कोर्ट के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। शांतिप्रिय धरना देने आए, धरना नहीं दिया है। वो पुरानी मंडी में कुछ लोग बैठ गए धरना देने, शायद उनको नॉलेज नहीं होगी। देखिए, एडीए ने नोटिस जारी कर दिया है, एडीए के हाथ कटेंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके चलेगा, लेकिन एडीए को पावर है कि वो टाइम ले सकता है, वो कोर्ट से टाइम ले सकता है। सर, ये बहुत बड़ा इलाका है, 20,000 आदमी प्रभावित हो रहा है, 5,000 दुकानें खराब हो रही हैं, तो इसके लिए सर्वे करूँगा साहब और मुझे टाइम दे दिया, तो एडीए को पावर और टाइम ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, साल दो साल में सर्वे भी निकाल सकते हैं, जब तक हम लोग मालिक नहीं चाहे तो रिव्यू में जीते हैं। जी, हमारी मांग ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 26 सितंबर को एक आदेश दिया है जिसमें लिखा है कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद कर दिया जाए, और उसमें हमारा पक्ष अभी तक रखा नहीं गया है। हमें सुने बिना ही ये ऑर्डर वहां से आ गया है, ऑर्डर पारित हो गया है, तो हम यहाँ सांसद जी से दरखास्त करने आए हैं, क्योंकि वो कानून राज्य मंत्री भी हैं, कि हमें एक अच्छा वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराया जाए, क्योंकि उस 500 मीटर की परिधि में जो भी दुकानें हैं वो बड़ी छोटी और छोटे दुकानदार हैं वहाँ पर, और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि एक अच्छा वकील हायर कर सके। तो इसलिए हम इनसे डिमांड करने आए हैं कि हमें एक अपना अच्छा लॉयर ये वहाँ पर प्रोवाइड कराएँ, जो हमारा पक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय में रख सके। 500 मीटर की परिधि में 450 से ज़्यादा अवैध निर्माण पे FIR हुई है, लेकिन उन पर आज तक कभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई, उसके बावजूद एकदम से आदेश आ गया है सर जी। यही हम सांसद जी को इससे भी अवगत कराना चाहते हैं कि अभी तक ADA ने 500 मीटर की परिधि में जो भी अवैध निर्माण है उस पर कुछ नहीं किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर और भी अवैध निर्माण है, उस पर अभी तक कोई नोटिस किसी को ऐसा जारी नहीं किया और कोई डेडलाइन नहीं दी गई, नोटिस जारी भी किया गया, जबकि हमारे लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी घोषित कर दी है 17 तारीख, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी 26 तारीख को ही आया है, और उसमें कोई तारीख या कोई समय नियत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है इनको बंद कराया जाए, और ADA ने तत्परता दिखाते हुए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं और हम पर आसानी से ये लोग अपना मनमर्जी चला सकते हैं, तो इसलिए हमारे खिलाफ इन्होंने ये जो एक डेडलाइन निकाली है, हम उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमें समय दिया जाए ताकि हम अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकें, और उसके बाद ADA अपने ऑर्डर का कंप्लाइंस कराने के लिए स्वतंत्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसकी विधि विशेषज्ञों के द्वारा उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कितना कहा गया है, और देश का कानून ये कहता है कि अगर लोअर कोर्ट का फैसला किसी के खिलाफ है
तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो आया है क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये जो संवैधानिक विशेषज्ञ लोग हैं उनसे राय ली जाएगी। एक आगरा के MP होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी लोग इस निर्णय से चिंतित हैं और इससे लाखों लोग प्रभावित और प्रताड़ित होंगे। स्थानीय प्रशासन से एक बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा हम लोग करेंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एकदम कोई डेडलाइन नहीं दी है, प्रशासन ने प्रारंभिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, तो बैठ के बात कर लेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या रिट पिटीशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, विधि विशेषज्ञों से उसके बारे में राय ली जाएगी। देखिए, मंत्री जी ने ऐस सच तो कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा इसकी हम जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका हम लोग जो बारीकी से अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगरा के लिए, जनता के लिए जो रिलीफ हो सकता है वो हम प्रोवाइड कराएं। पर मैं इसमें एक आध चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें 17 अक्टूबर तक की कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है कि ना कि 5 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने की कि साहब आप ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ बंद कर दें। ये प्रशासन अपनी तरफ से जल्दी कोशिश कर रहा है कि इस समस्या से रिलीफ मिले। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जो हम तक जब तक रिव्यू पटिशन हमारा फाइल नहीं हो जाता है तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ना ही बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद करानी चाहिए। DG भारत न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।